कैसे न्यूजीलैंड वालों आगे 5 T20 मैच खेलने सुसुड़ी वालों हल्की सी टीम लेकर आयो, आपका इस बार वो हाल होगा, पूरी दुनिया देखेगी, एक मैच भी नहीं जीतने देंगे, ना T20 ना ODI, 10 के 10 मैच आपको हराएंगे। ओ बापर बुरादर, ये तुम्हारा गलत फहमी होता कि न्यूजीलैंड का ये नया नया प्लेयर कुछ नहीं कर पाता, देख लेना ये नया नया बल्लेबाज तुम्हारे गेंदबाजों को कैसे छट्टी का दूध याद दिलाता, और हमारे नए नए गेंदबाज तुमको टिकने नहीं देंगे। और टॉम लैथम के बच्चे बाबर से क्या बोल रहा है, गेंदबाजी हम करेंगे, इधर पुराना बल्लेबाज मेरे सामने नहीं टिकेगा, तुम्हारे नए नए गेंदबाज क्या करेंगे भाइयों, एक मैच भी नहीं जीत पाओगे, सबके सब मैच हार के मुंह लटका के जाओगे। अबे चुप करता शाइन का बच्चा, तुमको क्या लगता न्यूजीलैंड का नया नया बच्चा आएगा, तुम लोग आसानी के साथ जीत लेगा, तुमको हमें एक मैच भी नहीं जीतने देगा, हर मैच में ऐसे आपको तेल बेल लगा के ठोकेगा, तुम भी क्या याद करोगे। अबे और जुमी नेशम के बच्चे बस कर रहने दे, इस बार देखना पाकिस्तान 10 के 10 मैच तुमको ठोकेगा, पहले T20 उसके बाद ODI, फिर तुमको पता चलेगा हम तुम्हारा सत्यानाश कैसे करते हैं मुंह लटका के जब जाओगे। टॉम लैथम ब्रदर, ये पाकिस्तान वाला किससे बात करता यार, इनको क्या लगता है ये 10 मैच जीतेंगे, देखो ससुर का नाती बड़ी बड़ी बातें कैसे बोलता, तुम तैयारी करना हम इनको ऐसा ठोकेंगे ये याद करेंगे टेंटे करते फोकट में। डेरी मिचेलसन तुम छोड़ती इनको, ये पाकिस्तान वाली केवल ख्याली पुलाव पकाती, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनको क्या लगता सब मैच जीतेगा, ये ससुर का नाती हमसे एक मैच नहीं जीत सकेगा, तरस जाएगा और रो रो के बुरा हाल करेगा। हाँ टॉम लैथम तुम बिल्कुल सही बोलता यार, ये फोकट में टैंटे करता, ये तो मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा, जब 5 T20 खत्म होंगे उसके बाद ODI में जब सब में तेल लगा के फेंटा लगाएंगे, फिर अपने आप अकल टकाने आ जाएगी, फिर चुप करेंगे। अबे ससुरी वालों फोकट में टाइम जाया नहीं कर, हम पहले बता रहे हैं एक भी नहीं जीतने दोगे ससुर के नाती, इस बार हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे, अगले पिछले छोटे मोटे बदले तुमसे ऐसे लेंगे, तुम भी क्या याद करोगे। बाबर भैया छोड़ो, ये ससुर के नाती छोटे मोटे बच्चे हैं, ये क्या खेलेंगे, खामखा टैंटेंग कर रहे हैं, करने दो, मैच खत्म होने के बाद पता चल जाएगा किसको तेल लगता है, फिलहाल फोकट में टैंटेंग करने दो, हमारा क्या जाता। हाँ रिजवान भैया सही कह रहे हो, ये टैंटेंग कर रहे हैं, जब शाहीन की बॉलिंग के सामने आएंगे ना ससुरी के, 0-0 पर आउट होकर पवेलियन जाएंगे, कोई भी दौड़े अंक में नहीं जाएगा, इनकी पूरी टीम हमारे सामने एक मैच में भी आधा शतक भी नहीं लगा पाएगी। अबे ओ पाकिस्तान वालों हमको इतना हल्के में मत लेना, अच्छे से तैयारी व्यारी कर लेना, फिर बोलना नहीं कि हमको बताया नहीं, फिर पछताओगे और तरह तरह के बहाने बनाए होंगे, जो आपकी आदत है, जी तो आप सकोगे नहीं, खामखा दिमाग नहीं खराब करो। ओ छोड़ यार टॉम लैथम, ये फोकट में बहाने बनाएंगे, अभी तो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, जब मैच हार जाएंगे तो ये बहाने बनाने से बाज कभी नहीं आएंगे, इनकी यही औकात होती है, जीत गए तो ठीक है, वरना बहाने बना के भाई अपनी इज्जत बचाएंगे और क्या करेंगे। अबे चुप कर डैडी मिचेलसन, ना टकलू के बच्चे, ये तो फिर पता चलेगा कौन बहाने बनाता है, हम भैया पहले बता रहे हैं इस बार एक मैच भी नहीं जीतने देंगे, बार बार कह रहे हैं तैयारी बियारी कर लो, फोकट में टाइम नहीं जाया करो। रजवान मियां ये लोग जितनी मर्जी तैयारी कर लें ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये इनको भी पता है, इसलिए ससुरी के खामखा दिमाग खराब कर रहे हैं, तुम छोड़ो इनको, 10 मैचों में तेल लगाएंगे, फिर इनसे पूछेंगे, इसलिए पहले बता दिया, अब हम पे गिला शिकवा नहीं करना न्यूजीलैंड वालों। ओ बाबर बुरादर बस करता यार, जितना मर्जी तैयारी करता, हम पहले से तैयारी करके आया, और तैयारी कर लिया ना तुम्हारी बिल्कुल नैया ही डूब जाएगी, यही तैयारी बहुत है, मैच शुरू होने दो, 3-4 दिन बाकी है, फिर बताएंगे हम कितना तैयारी किया। छोड़ता ब्रदर जिमी नेशम, ये ऐसे नहीं समझेगा, इनको ठोकना ही पड़ेगा, तेल बे लगा कि फिर इनको पता चलेगा, हम का टेंटेंग कर रहे, इनको लगता है ये हल्की सी टीम है, ये नए लड़के इनको ऐसे भजाएंगे, फिर ये रोएंगे मुंह छुपा छुपा के। अबे चुप करो ससुरी वालों, न्यूजीलैंड वालों फोकट में बहुत कर लिया टेंटे, अब आपसे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी बड़ी तैयारी कर लो ताकि कुछ आपकी इज्जत बच जाए, वरना बचने वाली नहीं है भाइयों, ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।